हेलो। सुनाई दे। हेलो। 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 हीरा, अभी आवाज सुनाई दी आपको? हीरा, आवाज आ रही है? क्लास सबको सुनाई दे रही है आप? अभी अभी भी नहीं आ रही आवाज? अभी भी आज आपको सुनाई दे रही है? उसे आवाज सुनाई दे रही है कर? हेलो। कट कट के या जब उसे सुनाई दे रही है? कट तो नहीं रही अभी आवाज मेरी? क्लास मेरी आवाज क्लियर हुई? ओके ओके क्लास, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो कहाँ तक पढ़ लिया था? स्लाइड्स का, ये टॉक्सिन्स वगैरह कर लिए थे? जस्ट मुझे लगता है फर्स्ट, और यहाँ कहाँ तक किया था क्लास, मुझे बताएंगे? स्टेफलोकोकस हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? मुझे ये भी बता कहाँ तक पढ़ लिया था। क्लास मोस्ट
स्टेफलोकोकस ओरियस एपिडर्माइटिस और सेप्रोफाइटिकस। ओरियस तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब मैं जो अगली स्लाइड स्टार्ट कर रही हूँ वो एपिडर्माइटिस मतलब कि सेकंड टाइप ऑफ स्टेफलोकोकस है, उसके बाद सेप्रोफाइटिक। ओके क्लास, ये सेकंड टाइप है। कौन सी है? स्टाफिलोकोकस एपिडर्माइडस डिजीजेस कौन सी प्रोड्यूस करता है और इसकी ट्रांसमिशन किस वे में होती है? ठीक है, अब इसके बाद क्या है? सेम उसकी पहले करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई हुई है कि स्टाफिलोकोकस एपिडर्माइडस आर स्फेरिकल, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, कैटलेज पॉजिटिव है बट कोएगुलेज नेगेटिव है। स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस इज फाउंड प्राइमली ऑन ह्यूमन स्किन एंड कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम एट द साइट ऑफ इंट्रावेनियस कैथेटर दैट पेनिट्रेट थ्रू द स्किन। क्लास नॉर्मल फ्लोरा वाली आप लोग स्लाइड्स ओपन करके देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस इज द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन स्किन। ठीक है, ये नॉर्मल फ्लोरा किसका है? स्किन का है। आपने देखा है कि स्किन से ही कट करके हमने जो इंजेक्शन लगाना होता है उधर से ही कैथेटर वगैरह पास करते हैं। ठीक है, स्किन से ही गुजर के ही आगे जाती है ना ब्लड तक, उसका सेस होता है। तो इसमें लिए कहते हैं कि जब भी आप लोगों ने नीडल प्रिक करनी है तो सबसे पहले उस जगह को स्टरलाइज करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, स्टरलाइज करेंगे ताकि कोई अगर उस वहां पर नॉर्मल फ्लोरा तो हर जगह पे प्रेजेंट ही है, एटलीस्ट ये अंदर एंटर नहीं हो। ठीक है, ब्लड तक इसके सेस नहीं हो। कई बार ऐसे होता है कि सही से जो है आप कहते हैं ना स्टरलाइज नहीं हो पाता और बैक्टीरिया ये किल वहां से नहीं होता सिपरेट स्वैब से, तो क्या होता है कि जब हम कैथेटर पास कर रहे होते हैं तो ये स्किन कट होती है। ठीक है, उस सिरिंज के साथ, तो उसके साथ साथ क्या है, इस कैथेटर के साथ साथ ये बैक्टीरिया भी जो है स्किन से कहाँ पर चला जाता है? ब्लड में चला जाता है, ये इसकी ट्रांसमिशन है। ठीक है, अब देखें ब्लड के अंदर मतलब कि उसने अपनी नॉर्मल साइट चेंज कर ली है, तो अब ये क्या बन गया? पैथोजेनिक बैक्टीरिया बन गया है। ठीक है, अब बाकी जैसे पीछे हमने पढ़ी है कि वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है स्टाफिलोकोकस ओरियस, बट ये जो टाइप है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करती। इसने क्या करना है, किस वे में डिजीज कॉज करनी है? अब देखिए टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं किया तो इस वजह से इसकी फूड प्वाइजनिंग भी ये नहीं करेगा, ना फूड पॉइजनिंग करेगा ना ही टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम प्रोड्यूस करेगा। तो फिर क्या करेगा? ये इंफेक्शन किस तरह से कॉज करता है? ये पायोजेनिक इंफेक्शन करता है। ठीक है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज करके इन्फेक्शन करता है। कौन से है? जैसे कि ये प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस है, प्रोस्थेटिक ज्वाइंट इन्फेक्शन है। ठीक है, जितने भी ये वॉल्स के एंडोकार्डाइटिस के इश्यूज होते हैं वो इसकी वजह से हो रहते हैं, स्टेफलोकोकस एपिडर्माइटिस की वजह से। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है कि जहाँ पे ये प्रोस्थेटिक ज्वाइंट्स की और प्रोस्थेटिक वॉल्स का एमसीक्यूज हो तो आपने क्लियर करना है कि उसके इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आपके माइंड में स्टेफलोकोकस एपिडर्माइटिस आना चाहिए, तो आपने उस पर टिक करना है। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम शंट इन्फेक्शन। ठीक है, अगर वहां पर शंट है तो वहां पे भी ये इन्फेक्शन कॉज करता है। एंड इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ सेप्सिस इन न्यू बॉर्न, और इसके अलावा न्यू बॉर्न में ये क्या कर रहा है? सेप्सिस कर रहा है। स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस इन्फेक्शन आर ऑलमोस्ट ऑलवेज हॉस्पिटल रिक्वायर्ड। ठीक है, आप देखिए कि बैक्टीरिया ने स्किन से ब्लड तक कैसे सेस किया? हॉस्पिटल में किया ना, हॉस्पिटल में ही पेशेंट आया। ठीक है, हॉस्पिटल में उसने कैथेटर पास किया, हॉस्पिटल में ही आकर उसने इंजेक्शन लगवाया। स्किन से वो ब्लड तक कैसे गया? हॉस्पिटल से ही गया। तो ये जितने भी इंफेक्शन हो रहे होते हैं जैसे प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस वगैरह हो रहे होते हैं, ये क्या होते हैं? ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड और कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन में कोई डिफरेंस बताएगा मुझे? कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्लास, मुझे कोई कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन की एग्जाम्पल देगा? क्लास कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन की, जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आपने लिख देना है निमोनिया है। ठीक है, जैसे ये दो एग्जाम्पल्स हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, प्रोस्थेटिक इंट्रावेनस कैथेटर के जो इन्फेक्शन है इस तरह के है। ठीक है, आप कोई कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन की एग्जाम्पल देगा? निमोनिया जो है वो बेसिकली कम्युनिटी एक्वायर्ड भी है और हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी है। ठीक है, गुड हो गया। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल?
गुड हो गया। सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल दे। सिंपल, सबसे ज्यादा सिंपल क्या होगा? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड की मैं बात कर रही हूँ, यूटीआई। आप लोगों ने जो आंसर दिए वो भी गुड है, ठीक है, जो हमने कम्युनिटी से इन्फेक्शन कैच किया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, मैंने बताया कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें क्या आता है कि हमने टॉयलेट जो है पब्लिक टॉयलेट यूज किया है, उससे हमें यूरिनरी यूटीआई हो जाता है। ठीक है, तो ये एमआरएस से जो है ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड में आएगा। सुमैया, आपने लिखा एमआरएस से, ये बेसिकली जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। यूटीआई जो है ये कम्युनिटी एक्वायर्ड में आ रहा है। ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड में ये होता है कि जो आपने हॉस्पिटल के बाहर कहीं से भी कोई इन्फेक्शन कैच करना है, ठीक है, पब्लिक की वजह से, किसी और वजह से, किसी और पर्सन से आपने जो इन्फेक्शन कैच किया है। आप देखिए कि किसी को, अगर किसी को एंडोकार्डाइटिस, या जैसे ये उसके वॉल्स डले हुए हैं या शंट डला हुआ है, वो खराब हो रहा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी और बंदे को भी शंट डला हुआ था तो उसको इन्फेक्शन हुआ तो इसको भी हो गया। नहीं ना, शंट मीन ये कि उसने कोई इन्फेक्शन आके कैच किया है जिसकी वजह से उसके शंट खराब हुए हैं, वॉल्स वगैरह। ओके सुमैया, ठीक है, अगर आपने हॉस्पिटल एक्वायर्ड की दिक्कत थी, एमआरएस हॉस्पिटल एक्वायर्ड। जी ठीक है, आप सबने मतलब मेरा पूछने का, हालांकि जो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस पूछने का पर्पस ये था कि आप लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है, एक्टिव होकर सुने। उसके बाद है थर्ड टाइप, स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस डिजीज। इसने कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करनी है? सबसे पहले वही मैंने उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई, ठीक, इसलिए कोकाई कौन सी होती? क्लास 1 सेकेंड बस वेट करना आप लोग, मैं 1 सेकेंड वेट। हेलो, ओके क्लास, तो अब थर्ड टाइप हम पढ़ रहे हैं, स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। ठीक है, नेम्स थोड़े से डिफिकल्ट है, बट आप लोग इसे रिपीट करोगे, स्पेलिंग मिस्टेक अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो कोई इश्यू नहीं है, सबको समझ आएगा जाएगा कि आपने सेप्रोफाइटिकस ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर सेप्रो आर ओ की बजाय सेप्रो आर यू भी अगर स्पेलिंग में कहीं आ जाता है तो कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, इस लेवल पे स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं मैटर करती। स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस और स्पेरिकल ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, कैटालेज पॉजिटिव है, तीनों टाइप्स कैटालेज पॉजिटिव हैं, बट स्टेफलोकोकस ऑरियस जो हम पहले स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, जो हमने पहले पढ़ी है, आज नहीं, आज वाली दोनों टाइप्स में कोएगुलेज नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस इज फाउंड प्राइमली ऑन द म्यूकस ऑफ जेनिटल ट्रैक इन यंग वुमेन, एंड फ्रॉम दैट साइड कैन एसेंड इनटू यूरिनरी ब्लैडर टू कॉज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्पेशली सिस्टाइटिस। ठीक है, अब लोग मुझे ये बताएंगे एसेंड और डिसेंड का मतलब क्या होता है, जो एसेंड इन्फेक्शन हो रहे हैं या डिसेंड हो रहे हैं। एसेंड मीन क्या है? ASCEND। क्लास एसेंट क्या बताएंगे, इन्फेक्शन कौन सा एसेंट, मतलब किस वे में वो जाके इन्फेक्शन कर रहा है, एसेंट, एसेंट्री वे क्या है और डिसेंट्री वे क्या होता है।
हेलो, अपवर्ड एसेंट और डिसेंट क्या है? डाउनवर्ड। ठीक है, तो अब किस तरह अपवर्ड है, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लोरा कहाँ? जेनिटल ट्रैक, फ्रॉम जेनिटल ट्रैक टू ब्लैडर, जो इसकी मूवमेंट हुई है वो एसेंट्री मूवमेंट हुई है, कि मतलब वो डाउन से नीचे से ऊपर की तरफ मूव करके गया है बैक्टीरिया। ठीक है, तो मुझे कुछ सिस्टाइटिस की डेफिनेशन बताएगा? क्लास डिफाइन मी व्हाट इज सिस्टाइटिस। CYS CYS सिस्टाइटिस। एग्जैक्ट डेफिनेशन, TIS जहां पर होता है वो इन्फ्लेमेशन हुई होती है। कहां पर इन्फ्लेमेशन हुई है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर। ठीक है सना सुंदस। ठीक है, तो आपने ये हमेशा माइंड में रखना है, TIS जहां पर भी है वो किसी चीज की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। तो बस आपके माइंड में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे कि बहुत बाकी सेम वर्ड्स मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, सिस्टाइटिस क्या है? ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है, कि ये बैक्टीरिया जेनिटल ट्रैक से ऊपर ब्लैडर की तरफ मूव करके क्या ब्लैडर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, सिस्टाइटिस। Something went wrong. Please try again. सेप्टिकस जो है वो इन्फेक्शन आर मोस्टली कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, जैसे यूटीआई वगैरह हॉस्पिटल्स में भी होता है। बट क्या है, बेसिकली इन्फेक्शन लोग जो है घरों से लेके कम्युनिटी से लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। क्लियर हो गया क्लास? इसके अलावा कोई मुझे मुझसे क्वेश्चन करेगा इनसे रिलेटेड, इनकी तीनों टाइप से रिलेटेड? अभी आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है, पहले इन तीनों टाइप्स को अगर मिक्स नहीं हो रहा तो मुझसे कोई क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, उसके बाद मैंने करने हैं क्वेश्चन, ताकि आप लोगों की ये थोड़ी रिवीजन हो जाएगी, तो आप लोगों का ये मिस नहीं होगा। क्लास एनी क्वेश्चन? ओके मुसरत, आपके पास 10 to 12 मिनट्स हैं, जल्दी से नमाज पढ़ रहे हैं आप लोग, और उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन ही करने हैं। क्लास आप लोग ब्रेक ले लें, 10 मिनट, 10 से 12 मिनट की नमाज तरावीह पढ़ लें, मगरिब की थोड़ी सी टाइम ज्यादा लगता है असर के कंपैरिजन। अदीला मैंने सब अरेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है, लास्ट 19 मिनट में नहीं है। ठीक है, जस्ट 5 MCQs है, सही है, और वो लास्ट 5 मिनट्स या मैक्सिमम 10 मिनट्स आप लोगों को मिलेंगे।
हेलो, हेलो, जी सर, हो गया। बस मेरी लास्ट क्लास एंड हो रही है। तो मेरी अभी क्लास आ रही है ना, कितने बजे तक? 6 बजे। 15 मिनट रहे। हाँ जी, हेलो,
बस मैं जा रही हूँ, बंद करते हैं। आप लोग का भी आज 6 बजे तक टाइम है? चलो सही। आपका हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी कौन? बंद आवाज नहीं आ रही। ओके हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ जी अदीला बोले। अदीला बोलो, आवाज नहीं आ रही।